चेता चेता हरे राम राम दे कृपा
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भगवान भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रमाण ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांशधर गोस्वामिते नामिने नमो राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामिते नामिने सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर जय विष्णुपाद स्वदेश श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीदर्श गुरु महाराज के अभय चरण अरविंद में रघुपति दंड ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला विश्व भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के अनुकोटि चरणों में दंड ज्ञापित करता हूँ। उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण के चरणों में यथायोग्य दंड करता हूँ। हरे कृष्णा सभी को। आज का जो हमारा विषय है वो है श्री मुरारी गुप्त को जो है प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा की है। उससे पहले हम लोगों ने श्री अद्वैताचार्य जी का चरित्र स्मरण करने की कोशिश करी थी। आज उसी प्रकार जो है मैं थोड़ा सा मुरारी गुप्त के बारे में जो बताऊंगा कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार स्वयं मुरारी गुप्त जी के ऊपर जो है कृपा करी है। तो आप लोगों को पता होगा मुरारी गुप्त जी जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो मुरारी गुप्त बनकर के आए। उससे पहले वो रामचंद्र जी की लीला में भी जो है शामिल थे। उसमें किस रूप में थे पता है किसी को? हनुमान जी ही स्वयं जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त बनकर के आते हैं, लेकिन वो इस लीला में जो है अपने स्वरूप को बिल्कुल भूले बैठे हुए थे। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको जो है उनके स्वरूप का याद स्मरण कराया, याद दिलाया उनको, और फिर उनके ऊपर जो है कृपा की है। तो भक्त मुरारी गुप्त के ऊपर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अधिक कृपा की है। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैंने अद्वैताचार्य के ऊपर तो कृपा कर दी है, उसको तो अपने दिव्य दर्शन दिखाई दिए हैं, अब मुरारी गुप्त आपका नंबर है, अब मैं आपको जो है अपना स्वरूप के दर्शन कराना चाहता हूँ।
तो जब मुरारी गुप्त को यह कहा कि तुम भी मेरे स्वरूप का दर्शन करो, तो तभी से ही जब एकदम से ही मुरारी गुप्त को जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु में श्री रामचंद्र जी के ही जो है दर्शन होने शुरू हो गए, इतना कहते ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का। और जब मुरारी गुप्त ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, तो वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो है देखा वहाँ पर वो जो दृश्य था। तो उन्होंने देखा कि उस समय जो श्री हरि गौर सुंदर थे वो श्याम वर्ण के प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि आपने देखा भी होगा राम अवतार में राम जी की कथाएं सुनी होंगी, तो उस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु तो गौर वर्ण के थे, लेकिन रामचंद्र जी का जब उन्हें उनका रूप उनमें दिखाई देने लगा तो वो श्याम वर्ण के प्रतीत हो रहे थे। अब बताते हैं कि उनके दिव्य हाथों में धनुष सुशोभित था, रामचंद्र जी ने तो अपनी लीलाओं में धनुष बाण को ही सुशोभित किया हुआ था, तो इस प्रकार उनके दोनों हाथों में धनुष बाण जो है सुशोभित था। उनके बाएं भाग में श्री सीता देवी जी जो है विराजमान थी, और दाएं हाथ में दाएं तरफ जो है लक्ष्मण जी विराजमान थे। चारों ओर वानर भालू इत्यादि भगवान की जो है सुंदर सुंदर स्तुति का गान कर रहे थे। इस प्रकार का मनोरम जो है दृश्य श्री मुरारी गुप्त जी ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अंदर देखा जब उन्होंने अपनी लीला को उनको दर्शाना चाहा। तो जब मुरारी गुप्त ने श्री हरि गौर सुंदर के को श्री रामचंद्र के रूप में देखा, तो मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान के ही आवेश में आ जाते हैं, मतलब वो अपने आप को हनुमान ही मान करके और बिल्कुल आविष्ट होकर के एकदम से मूर्छित होकर के भूमि पर गिर जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके अंदर क्या करते श्री रामचंद्र जी के ही दर्शन कर रहे थे। और अब देखो कैसी लीला है भगवान की कि वो बिल्कुल भूले बैठे हुए हैं, तो भगवान खुद उनको जना रहे हैं कि देखो मैं वही स्वरूप हूँ जिसकी तुम आराध्य जिसके तुम मतलब पूजा किया करते थे। तो अब अपने भक्त पर मुरारी गुप्त पर प्रभु जो है कृपा करना शुरू करते हैं, कहते हैं अरे वानर श्रेष्ठ क्या तुम सब कुछ भूल गए हो, क्या तुम उस दशा को भी भूल गए जब तुम मेरी प्राण प्रिय श्री सीता जी श्री जानकी जी को रावण हरण करके ले गया था, और उनकी खोज करते करते तुम अशोक वाटिका में पहुंच गए थे। अशोक वाटिका में पहुंचने के पश्चात रावण ने जब तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी, और आग लगाने के बाद तुमने पूरी लंका का जो है दहन कर दिया था, उसको जला करके भूल गया। तुम इतनी बड़ी उस दृश्य को भी कैसे भूल जाते हो भूल सकते हो। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को जो है उनके पूर्व जन्म की जो लीलाएं उन्होंने की हैं उसको स्मरण कराने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जब महाप्रभु ने इस प्रकार उनको याद दिलाने की कोशिश करी तो कहते हैं उठो उठो मुरारी उठो, तो मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा श्री रामचंद्र ही हूँ, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, मैं स्वयं ही राघवेंद्र सरकार श्री राम अथवा तुम हनुमान हो, और मैं और कोई नहीं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं, मैं तुम्हारा ही आराध्य देव श्री रामचंद्र हूँ। इस प्रकार कहकर के और भी बहुत सारी बातें हैं फिर जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त जी को बताते हैं उनकी स्मृति को वापस लाने के लिए। जैसे वो उनसे कहते हैं कि तुम इन सुमित्रा नंदन को भी भूल गए, क्यों कैसे भूल सकते हो तुम इन सुमित्रा नंदन को, जिसको जीवित करने के लिए तुम संजीवनी बूटी की खोज करते करते पूरा गंधमान पर्वत ही उठा ले करके आए थे, कैसे तुम उन लीलाओं को जो है भूल सकते हो। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त जी को पूर्व जन्म की लीलाओं का स्मरण कराते हैं ताकि उनको जो है याद आ जाए और फिर उनको पूर्ण विश्वास हो जाए। और अब जो है मुरारी गुप्त जी ने जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को सुना, उनके दो दो बार स्मृति को याद दिलाने की कोशिश को देखा और समझ उनको जो है पूर्व जन्म की स्मृति याद हो जाती है, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो वो है गिर जाते हैं, मूर्छित होकर के जो है वो भूमि पर गिर जाते हैं इस प्रकार। और अधीर होकर के जो है मुरारी गुप्त जी रोने लगे, इतना अधीर होकर के सुबक सुबक करके रो रहे थे। उपमा दी गई है यहाँ पर कि मानो अगर कोई पास में सूखी लकड़ी भी पड़ी हो ना तो वो भी पिघल करके द्रवित हो जाए, इतना सिसक सिसक करके जो है मुरारी गुप्त जी रो रहे हैं कि कैसे प्रभु मुझे आपका स्मरण नहीं रहा, कैसे मैं आपको जो है भूल गया हूँ, या कैसे मुझे आप जो है याद दिला रहे हैं। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मुरारी गुप्त की ऐसी अवस्था हो गई है तो उनका भी जो है हृदय द्रवित होने लगा, वो भी पिघलने लगा, और कहते हैं मुरारी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग लो। मुरारी गुप्त कहते हैं प्रभु वर क्या मांगूँ मैं आपसे, बस आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे बस यही दीजिए कि मैं आपका सदा सर्वदा जो है गुणगान करता रहूं, चाहे मेरा किसी भी जगह पे जन्म हो लेकिन मुझे सदैव आपका जो है स्मरण बना रहे, मैं कभी भी आपको ना भूलूं, और मुझे हमेशा आपके दासों का ही संग मिलता रहे, और हाँ
जहाँ पर कहीं भी आप जो है आगे जन्म लें, अवतार लें, तो मुझे हरि भक्तों का संग मिले और आपके चरणों की जो है मुझे सेवा करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से मुरारी गुप्त जी ने जो है वरदान मांगा। तो फिर जब इतना वरदान उन्होंने मांग लिया, अपनी बातें कह दी, तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इन बातों को सुनकर मुरारी गुप्त से बोले, मैं तुमसे और भी अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सब समय जो है मेरे प्रिय ही रहोगे। पहले भी तुम मेरे बहुत प्रिय थे और आगे भी जो है तुम मेरे बहुत ज़्यादा प्रिय बने रहोगे। महाप्रभु के इन उदार वचनों को सुनकर के जो आसपास में वैष्णव वृंद थे वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा उनको महसूस हुआ, सब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार करने लगे। फिर महाप्रभु ने कहा कि एक मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो कि यदि कोई व्यक्ति मुरारी गुप्त की निंदा करता है तो करोड़ों करोड़ों बार हरि नाम करने पर अथवा गंगा स्नान करने पर भी उसका कल्याण नहीं हो सकता, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गंगा और हरि नाम स्वयं ही उसका जो है संहार कर डालेंगे। तो देखिए, हमने इस लीला में स्मरण करने की कोशिश करी कि किस प्रकार जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त मुरारी गुप्त पर जो है कृपा की। वांछा गुप्त की देखो, चैतन्य महाप्रभु कैसे कई अवतार हुए नहीं। अब देखना, कृष्ण लीला में केवल कृष्ण का ही भक्त आए, राम का कोई भक्त कृष्ण लीला में नहीं है, और राम लीला में देखना केवल राम का ही भक्त आए, वो कृष्ण का कोई भक्त नहीं आए। लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु लीला में कृष्ण का भी भक्त आए, राम का भी भक्त आए, नारायण का भी भक्त आए, नरसिंह भगवान की भक्त आए, ऐसे किसका भक्त नहीं जो महाप्रभु लीला में आए नहीं। महाप्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु, उन्हें सबको उन्होंने अपना, सबको उन्होंने अपनाया और सबको उन्होंने भगवत प्रेम उन्होंने सबको प्रदान किया। जैसे श्री जय और विजय, जय और विजय आप भी जानते हो, जिस समय श्री चतुसन आए, जय विजय उनका मार्ग को रोक दिया, तो इतने में चतुसन ने अभिशाप दे दिया, बोले जाओ मेरे मार्ग को तुमने रोकने की कोशिश की, जाओ तुम लोग राक्षस जन्म में जाओ। फिर उनको राक्षस जन्म में जाना पड़ा। पहला अवतार में हिरण्य के हिरण्यकश्यप बने, दूसरे अवतार में, दूसरे जीवन में रावण बोलो कुंभकर्ण बने, और तीसरे बार में कौन बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने, सब लीला में आए। लेकिन जब वही कृष्ण राम जब महाप्रभु लीला में, श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में आए, बोले इनको भी साथ में ले चलता, कि कौन बन करके आए, जगाई और माधाई बन करके आए, और महाप्रभु उनको भी अपना प्रेम दिया। इसलिए महाप्रभु सबको उन्होंने प्रेम महाप्रभु ने दिया है, सबको उन्होंने प्रेम दिया महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु बड़े दयालु, महाप्रभु बड़े कृपालु, महाप्रभु ये कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु, ये राम से भी ज़्यादा दयालु, ये नारायण से भी ज़्यादा दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले कैसे, जैसे रामलीला में रावण ने कुछ गड़बड़ किया, राम ने क्या किया, धनुष उठाया, पूरा लंका खत्म। जैसे कृष्ण लीला में कंस ने कुछ गड़बड़ किया, अघासुर बकासुर कुछ गड़बड़ किया, कृष्ण ने सबको खत्म कर दिया। नारायण लीला में हैं, नारायण भी उन्होंने क्या किया, अगर कोई उल्टा पुलटा किया था नारायण के सुदर्शन चक्र उठा दिए, उठा करके उन्होंने सबको खत्म कर दिए। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु, दूसरे दूसरे अवतार में तो जैसे सीता को कोई उठा करके ले गया, कृष्ण के साथ में लड़ाई किया हैं, लेकिन महाप्रभु लीला में नित्यानंद प्रभु का सर को उन्होंने फोड़ दिए, जगाई बधाई, नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं, भले ही तुमने मेरे सर फोड़ दिया भैया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरे प्रभु का नाम, केवल एक बार मेरे प्रभु का नाम लो। बोले श्री सच्चिदानंद ने गौर हरि की, जोर से बोला, बोले श्री सच्चिदानंद ने गौर हरि की, बोले एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम लो, बस तुम्हारे सारे अपराध में मुक्त हो गए। मार खा करके भी उन्होंने प्रेम दिया। इसलिए हमारे श्री हैं भक्त लोग कहते हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन, मेरा जो मन है
नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का नाम को लेकर के मेरा मन नाच उठे। बोले क्यों? बोले ऐसे कोई दयालु देखे हो जो मार खा करके भी प्रेम देते, मार खा करके भी प्रेम दिया, ऐसे दयालु कोई देखे हो? बोले वो नाम है अपराध विचार का नहीं है। जैसे कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, राम का नाम, वहाँ पर अगर अपराध को साथ में उनका नाम लोगे ना, प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम, भले ही जितने तुम अपराधी क्यों नहीं हो, पाप क्यों नहीं किया हो, लेकिन वो क्या करते हैं, तब भी उन्होंने सबको प्रेम दिया है। सब उन्होंने सारे अपराध को भूल करके उन्होंने सबको उन्होंने प्रेम दिया। इसलिए जगाई माधाई है, ये जगाई माधाई इतने बड़े पापी थे, कद चित्रगुप्त इनके पाप को लीक 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 करके पूरा घर भर गया। और जो जमदूत उनका जो पाप करते थे, रोज आ जाकर बोलते थे आज ये दोनों ने किसके घर में आग लगा दी, शराब पी, दूसरों को पिटाई की है, परस्त्रियों को अपहरण किया, जितने पाप आकर के बोलते चित्रगुप्त लिखते थे। चित्रगुप्त इतने बोर हो गए, इतने परेशानी हो गए, जब वो आकर के उनका पाप बोलते थे ना, वही उनको क्रोध आता था, गुस्सा आता था, मारने दौड़ते थे। भले दो पापी कभी इतने पाप कर सकते हैं? रोज ये किया, सो किया, इतने सारे। जब महाराज सोच रहे हैं चित्रगुप्त है रे, कितने करोड़ों काल के लिए दोनों को नरक जाना पड़ेगा, कितने करोड़ों काल के लिए इनको नरक जाना पड़ेगा, कैसे ये पाप को भोग करेगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब ये दोनों को उधार कर लेते हैं ना, जब उन्होंने उनको उधार कर लिया, इनको देख करके जमपुरी में जम महाराज भी महाप्रभु की दयालुता को देख कर जम महाराज बेहोश हो गए। और जमपुरी में भी वहाँ पर जो चित्रगुप्त और जितने जमदूत वह भी वहाँ नाचना शुरू कर दिया। जब महाराज भी नाच रहे हैं, सबके सब हाथ उठा उठा करके बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, वहाँ पर भी सबके सब जय जय जयकार कर रहे थे। महाप्रभु इतने दयालु महाप्रभु हैं, इसलिए देखो महाप्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु। इसलिए शास्त्र ने बताया कि जब ये कलियुग आएगा, हर कलियुग में कली का जो प्रभाव बढ़ेगा, हर स्थान पर बताया कलियुग की प्रभाव बढ़ेगी। क्यों? कलियुग में कल की अवतार आते हैं ना, कल की अवतार आएंगे जब बहुत ज़्यादा ही पाप 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 फैल जाएगा जगत में, कोई पुण्य नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगी है। उसी समय क्या होता है, भगवान कल की अवतार लेंगे, कल की अवतार लेकर जितने म्लेच्छों को हैं, सारे म्लेच्छों को संहार करेंगे। संहार करते हुए जब भगवान घोड़े को ऊपर बैठ करके सर्वत्र विचरण करेंगे, भगवान के शरीर से जो खुशबू निकलेगी, जो सुगंध निकलेगा, उसी से ही सबके सब पवित्र हो जाएंगे, सबका हृदय पवित्र हो जाएगा। वहाँ सत्य युग आ जाएगा। कौन सा युग आ जाएगा? फिर सत्य युग आ जाएगा। सत्य युग में चार चरण में पाप पुण्य रहेगा, कोई पाप नाम का कोई चीज करेंगे नहीं, घर घर में हरि कीर्तन, घर घर में हरि भजन, सबके सब भगवान की भक्ति करेंगे, सारे पाप कर्मों को सबके सब सारे पाप कर्मों को छोड़ करके सबके सब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये नियम है। लेकिन ये जो कलियुग, अभी जिस कलियुग में हम आए हैं, कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। बोले क्यों? ये कलियुग का कलह युग है, जहाँ भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, आपस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई है, भाई और बहन बहन में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, लड़ाई लड़ाई के बगैर कुछ नहीं जगत में, देखना सब जगह में लड़ाई के बगैर कुछ है ही नहीं। इसलिए कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते कलियुग में। लेकिन ये जो कलियुग है ना, ये कलियुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते, ये कलियुग में सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में सबके सब आकर के सबके सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सबके सब कहते। ये कलियुग जब आएगा ना, ये कलियुग में सब देवता लोग आएंगे। इसलिए आप लोग जो तिलक लगा कर बैठे ना, कल गला में कंठी बैठी पहने हो,
आप लोग भी साधारण नहीं हो, ये भागवत कह रहा है। एकादश स्कंध में कह रहे हैं कहते सत्य त्रेता द्वापर युग का जो लोग हैं, स्वर्ग के जो देवता लोग हैं, कलयुग में इंसान बन करके आएंगे और ये महाप्रभु धारा में अभिषिक्त होकर के गले में कंठी और तिलक लगा करके, भागवत कहता है गले में कंठी तिलक लगा करके सत्य से हरिनाम करेंगे। इसलिए आप लोग जो कंठी तिलक हरिमाला कर रहे हो ना, तुम लोग देवता से भी बड़े हो, देवता से भी बड़े, देवता कोई बड़े आदमी नहीं है। थोड़ा पुण्य करके स्वर्ग में गए, पुण्य खत्म होते फिर यहीं आए, यहीं दुख कष्ट भोग करें। इसलिए इस जगत में जो भजन करते हैं वो देवता से भी ये ज्यादा पुण्यात्मा है जो इस जीवन में भजन करते हैं। इसलिए कहते हैं ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु चुके कलयुग में आएंगे, आने का नाते कभी ये कलयुग का जो प्रभाव है वो इतना बढ़ नहीं पाएगा। पहले पहले आप हाथ में गिनोगे ना, एक हनुमान हुए, एक मीरा हुई है, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, कबीरदास जी हुए, एक एक कई भक्त में गिनोगे। लेकिन कहते हैं कलयुग जो आएगा ये भक्ति महाप्रभु का कृपा से ये भक्ति इतने तेजी से जाएगा, इतने तेजी से भक्ति प्रचार प्रसार कलयुग में होगा। कलयुग में देखो ये बड़ौदा में देखो कितने लोग गले में कंठी तिलक लगाए, आप क्या मीरा से कहो जो कंठी तिलक लगा कर हरिनाम करते हो, कोई कम नहीं है। इसलिए गले में जो कंठी तुलसी धारण करके भजन करे वो साधारण बात है ही नहीं, चीजों को धारण कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामांत ज्ञान वानम माम प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन को बोले जो मेरे भजन करते हैं भक्ति करते हैं ऐसे जो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। इसलिए कलयुग में ये कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ नहीं पाएगा। बीच बीच में जैसे जिसको जितने बड़े बीमारी हो ना, देखना जितने जिसको जितना बड़ा बीमारी उतना तेज मेडिसिन उसको चाहिए। कैंसर हो गया ना उसको उतना, ये घोर कलयुग है। इसलिए भागवत में बताए घोर कलयुग है, इसलिए घोर कलयुग होने का नाते अभी इतने बड़े बड़े संतों को चाहिए जो जगत में आए और हरिभक्ति को प्रचार करें, उतने बड़े बड़े संत चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जैसे व्यक्ति आए हैं, हमारे गुरुदेव जैसे व्यक्ति आए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे, नरोत्तम श्यामानंद आए, बड़े बड़े संत लोग कलयुग में आए। क्यों? कल घोर कलयुग है, उतना बड़ा डॉक्टर चाहिए, जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर होना चाहिए ना वो बीमारी को सही करने के लिए, है भागवत में की बात बताए। इसलिए ये कलयुग में आप लोग जो महाप्रभु धारा में जब आ करके जो हरि भजन कर रहे हो, हरि की जो भक्ति कर रहे हो, बड़े भाग्य से आप लोग हरिनाम कर रहे हो। इसलिए गुरु जी से एक बार जो हरिनाम लिए हो, जो माला लिए हो, ये माला कभी उतारनी नहीं चाहिए, तिलक नहीं मिटनी चाहिए और हाथ से माला कभी दूर नहीं होनी चाहिए, हैं? क्योंकि यही तीन चीज़ें हमें ठाकुर के पास में यही चीज तीन चीज़ रहेगा। इसलिए अगर गले में कंठी तुम्हारी है, तिलक है, हरिनाम कर दो, ये पासपोर्ट वीजा और टिकट हो गया। गले में कंठी मतलब पासपोर्ट हो गया, तिलक लगाए मतलब वीजा बन गया और हरिनाम मतलब टिकट, बस तीनों चीज़ तुम्हारी वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने के लिए तीन हो गया टिकट। ये तीन तुम्हारी चीज पक्की है, तुमको कोई रोक नहीं सकते भगवान का धाम से जाने के लिए, कोई तुम्हें रोक नहीं सकते। जरूर किसको पास में जाओगे? भगवान के पास में आप जरूर जाओगे। इसलिए विश्वास करके ये तीन चीज को कभी दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा तुम नहीं चाहने पर भी, लेकिन ये तीन चीज हमारी कभी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? अभी हमारे नवरी प्रभु जी बोले, हाँ, और जो कल है, कल हमारे चिराग प्रभु जी बैठे हैं, कल वो प्रभु जी का कल जन्मतिथि है, जन्मतिथि है, इसलिए कल प्रभु जी पार्टी देंगे, सबको प्रसाद देंगे, हैं? इसलिए आप लोग सबके सब आना और सब अपना परिवार को भी लेकर के आना, ठीक है? और 11 तारीख को हमारे लता दीदी उनका परिवार में भी कुछ उनका पितृपुरुष का क्या है, क्या हाँ, उनका पतिदेव का 25 साल का उनका पतिदेव का 25 साल होगा, पूरी होगी, इसलिए उसी उपलक्ष्य में वो भी कुछ प्रसाद देंगे। हम विचार करेंगे, हैं, ये दोपहर में है कि शाम को उसको विचार करेंगे। और जो 12 तारीख को जगन्नाथ की रथ यात्रा है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
इसलिए उसी दिन भी रात को हम लोग यहाँ प्रसाद करेंगे, प्रसाद बढ़िया जगन्नाथ जी की प्रसाद बनाएंगे सभी के लिए प्रसाद, इसलिए सब लोग आना है और सबके लेकर के आना, ठीक है। नमो विष्णुपादाया राधिकाया प्रियमने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम ने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। चैतन्य महाप्रभु की कथा चल रही है और चैतन्य महाप्रभु जितना औदार्य है उसका भी अनुभव हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ कुछ गुरुदेव के माध्यम से हम महाप्रभु की उदारता को समझ पा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं और जितने भी राम हो चाहे नरसिंह हो चाहे और भी जितने अवतार हैं वो सब उनके अवतार हैं। अवतार और अवतारी में भेद क्या है? अवतारी वह पुरुष परम पुरुष है जिससे समस्त भगवान ही अपना एकांश या अपना एक पूर्ण शक्ति में प्रकाश जो है प्रकाशित करते हैं और ऊपर से वैकुंठ लोकों से जब नीचे इस धराधाम में आते हैं उसका वहाँ से आना उतरना इसको अवतार कहा जाता है। तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं जो कि अवतारी हैं और समस्त जो श्रीमद् भागवत में आप 24 अवतार पढ़ते हैं, अवतार तो अनंत है लेकिन हमारी अपनी बुद्धि इतनी कम है कि हम अवतारों को ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के जीव हैं, जितनी इनकी बुद्धि है उतना ही ज्ञान दिया जाए, तो वो अवतारी पुरुष से ही भगवान स्वयं एक भगवान है, वो अनेक रूप में प्रकटित हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाखों भगवान, ऐसा भी नहीं है, है वो एक ही, वो परम सत्ता, वो भगवान श्री कृष्ण ईश्वरा परम कृष्णा जो हैं वो एक हैं, अवतारी हैं, उन्हीं से समस्त अवतार अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए तो भी उस प्रेम को वो वितरण करने में कंजूसी कर गए। वही चैतन्य महाप्रभु जो और कोई नहीं वो कृष्ण ही हैं, अवतारी ही हैं, उनको लगा कि कृष्ण लीला में इस प्रेम को मैं वितरण नहीं कर सका जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा मुश्किल है पाना, तो क्यों ना मैं राधा रानी का भाव और कांति लेकर के वो जो राधा रानी को आनंद की अनुभूति होती है उसका अनुभव करूं और समस्त जीवों को वो प्रेम प्रदान करूं। तो इसको किस प्रकार से समझे? देखिए, इस संसार में हम लोग जो हैं सब अभी महाराज जी बता ही रहे हैं कि बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग ने जन्म लिया और वर्ण और आश्रम में हम सब आते हैं। वर्ण और आश्रम चार हैं, चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। ये चार आश्रम हैं। और वर्ण कौन कौन से हैं? शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण। ये चार जो हैं ये वर्ण हैं। तो ये हम लोग जितने भी वर्ण और आश्रम में भारतवर्ष में पैदा हुए सब वर्ण और आश्रम में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये, देखिए, ये भक्ति का अधिकार प्राप्त करना ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारी जो है यात्रा चली आ रही है। कभी हम चींटी थे, कभी मकोड़े बने, कभी कुत्ता, कभी बकरी, कभी कुछ कभी कुछ, तब जाकर के मनुष्य तन मिला और मनुष्य तन मिलने पर भी भक्ति तो सुदुर्लभ है, इतनी सहज नहीं है भक्ति। देखो, तप
ज्ञान योग ये सहज है लेकिन भक्ति सहज नहीं है, क्योंकि तपस्या करने से क्या मिलेगा, तपस्या और योग इत्यादि से करने से क्या मिलेगा, हमें अष्ट सिद्धियां तो मिल सकती हैं, नव निधियां तो मिल सकती हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकती। ये आठ प्रकार की जो अणिमा लगीमा आदि ये जो सिद्धियां हैं, ये प्राप्त करके भी हम जो है भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये क्योंकि इस भौतिक जगत की ही वस्तुएं हैं, इन्हें प्राप्त करने से हमें भक्ति नहीं मिल जाएगी। तो इसका सुंदर तरीके से वेदव्यास जी ने अपने पुराणों के माध्यम से हमें समझाया, जिस प्रकार से भक्ति का अधिकारी व्यक्ति होता है उसको ही भक्ति मिले, और जिसका अभी भक्ति में अधिकार नहीं है वह कर्म करे, और कर्म कौन से करे, जो वेद के अंदर लिखे गए हैं, वेद विहित कर्म ही करने चाहिए। दान तपस्या यज्ञ इत्यादि ये सब करके हमें अपने कर्मों को संपादन करना चाहिए। तो पद्म पुराण में एक सुंदर इसी वर्ण और आश्रम के माध्यम से और तपस्या ज्ञान आदि करने वालों की क्या गति है वो बताते हुए वेद व्यास जी बताते हैं। एक ब्राह्मण जो अपने कर्मों से एकदम से खिन्न हो जाता था, उसे लगा मैं ब्राह्मण कुल में हूँ और बहुत बड़े मैंने तपस्वी देखे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी देखे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घर के झंझट से निकल कर चला जाना चाहिए, कहाँ माता पिता की सेवा करूँगा, इससे तो अच्छा कहीं तपस्वी बनूँगा, लोगों में मेरी प्रतिष्ठा होगी, सब मुझे जो है प्रतिष्ठित करके मेरी पूजा करेंगे। इस लोभ से वह बाहर चला गया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। तभी जब तपस्या करते करते उसे कई वर्ष बीत गए, एक वृक्ष के ऊपर जिसके नीचे वो बैठा था एक बगली बैठी थी, बगली ने उसके ऊपर बीट कर दी। जैसी उसकी आँख खुली तो देखा कि ये बीट कर दी बगली ने, और तपस्या करने पर उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसको क्रोध हुआ, तो उसने बोला कि इसको अभी से तुरंत भस्म हो जाना चाहिए और मर जाना चाहिए, मंत्र के माध्यम से कह दिया। और जैसे ही मंत्र के माध्यम से कहा, वो सचमुच भस्म होकर गिर पड़ी और नीचे भस्म हो गई। तो ये देख करके उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। और वो चला, चल करके अब सोचा मेरी तपस्या तो पूर्ण हुई, अब काफ़ी भूख भी लगी है, कहीं से कुछ मांग करके मैं अपनी भिक्षा ले करके अपना जो है पेट की पूर्ति करता हूँ। तो एक गृहिणी के घर पर जाकर के उसने कहा भिक्षां देहि, तो माता बाहर आई, आने ही वाली थी, तभी उसके पति ने एकदम बुलवाया कि सुनो सुनो मेरा ये अमुख कार्य कर दो। वो अमुख कार्य करने के लिए वो पीछे चले गई और वहाँ पर उसको 15-20 मिनट लग गए। ये ब्राह्मण जो है अभी दरवाजे पे खड़ा है, ये सोच रहा है कि ये मेरी शक्ति को नहीं जानती, इतना महान तपस्वी यहाँ ब्राह्मण खड़ा है, और ये देखो मूर्ख स्त्री, ये इसके पति ने इसको बुलाया और भागकर चली गई मुझे छोड़ करके। अरे कम से कम भिक्षा नहीं देती कोई बात नहीं, आदर सत्कार तो करती, ये सोच करके वो अंदर गई। 15-20 मिनट हुए अपने पति की सेवा करके, उसको याद आया कि द्वार पर कौन खड़ा है, ब्राह्मण, और उसको कुछ देना है। तो वहाँ से आटा दाल चावल इत्यादि लेकर के वह पहुँची और कहा हे ब्राह्मण देव क्षमा कीजिए, मुझे विलम्ब हो गया, मेरे पति की मैं सेवा कर रही थी। तो तपस्वी ब्राह्मण क्या कहता है, अरे मूर्ख तेरे को इतना नहीं पता कि जब ब्राह्मण वो भी तपस्वी कोई आया हो उसकी सेवा पहले है, तुम साधारण जो धर्म में वर्ण और आश्रम के धर्म में पड़े हो, हैं पति पत्नी के जो प्रेम में उसमें फंसे हुए हो, तुम्हें सोचना चाहिए था कि पहले इसकी सेवा होनी चाहिए ब्राह्मण की। तो उसने कहा, वो गृहिणी साधारण नहीं थी, उसने पतिव्रता स्त्री थी, उसने कहा हे ब्राह्मण मैं जानती हूँ तुम कितने बड़े तपस्वी हो, मैं कोई वो बगली नहीं हूँ जिसको तुम्हारे मंत्रों ने जलाकर भस्म कर दिया, मैं सब जानती हूँ, मैं पति की सेवा कर रही थी, इसका ज्ञान अभी तुम्हें नहीं है कि पतिव्रता सेवा से क्या होता है। तुम एक काम करो, जाकर के जो एक कसाई है और वो क्या करता है मांस बेचता है, लेकिन वो धर्म का ज्ञाता है, उसके पास जाओ, जनकपुरी में रहता है, वहाँ जाओ। बोलते अरे, वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, उसका क्रोध ठंडा हो गया कि ये माता कैसे जानती है कि मैंने एक बुगली को जला दिया, भस्म कर दिया। तो उसको अंदर से ऐसा लगा कि अभी मेरी तपस्या और ज्ञान में कुछ कमी है, और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की उसकी उत्कंठा जग गई। उसने माता को प्रणाम किया, माता मैं अवश्य जाऊँगा उस
कसाई जो है जो धर्म सिखाता उसके पास जाऊंगा। वह गया, वहां जाकर के उसने देखा वो कसाई क्या कर रहा था, मांस बेच रहा था। मांस बेच रहा है तो उसने ब्राह्मण को देख करके आदर दिया, बोला बैठो अभी थोड़ा समय लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास इतना समय नहीं। तो बोला ठीक है तुम एक काम करो, अमुक नगर में चले जाओ, पास में एक ब्राह्मण रहते हैं, उधर जाकर के उनसे मेरा नाम ले देना और कह देना, वो तुम्हें समस्त धर्म का ज्ञान बता देंगे जिसके लिए तुम्हें उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है, वह ब्राह्मण तुम्हें वह पूर्ण करा देगा। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वो स्त्री भी जानती थी मैंने बुगली को मार दिया, और ये देखो कैसा कसाई है जो ये जानता है कि इस स्त्री ने मेरे पास भेजा है। तो वह गया उस ब्राह्मण के पास और उधर देखा कि वो छोटा सा अभी मात्र 16 वर्ष का ब्राह्मण बच्चा अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। तो कहा हे ब्राह्मण देव, मुझे उस धर्म सिखाने वाले कसाई ने आपके पास भेजा है, कृपा करके मुझे धर्म का ज्ञान बतलाइए। तब उसने कहा ठहरिए ब्राह्मण देव, आप भारी विराजिए, अभी मेरे माता की सेवा हुई है, अभी पिता की सेवा और बाकी है, उसको पूर्ण करके मैं आपके पास आता हूँ। वहाँ समय लगा और भी ज़्यादा, जब पिता की सेवा हुई उसके बाद पुनः माता ने बुला लिया, इस तरह के समय बीतता चला गया। ब्राह्मण को बड़ा अंदर से विचलित हो रहे हैं, कह रहा मैं देरी से, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत देर हो रही है, कृपा करें। तब उन्होंने बोला अब तुम जाओ, तुम्हें अभी पतिव्रता का धर्म नहीं पता, तुम्हें अभी माता पिता का धर्म नहीं पता, तुम अपने को तपस्वी कहते हो, तुम्हें मैं अभी नहीं दे सकता ज्ञान, वापस उस कसाई के पास जाओ। वो पुनः कसाई के पास आए और कसाई ने फिर उनको जो है ज्ञान प्रदान किया, देखो तुम जो भी तपस्या कर रहे हो, तुम जो भी कुछ यहाँ पर कर रहे हो, अगर उसके अंदर वर्ण और आश्रम के तुमने कार्य नहीं किए और सीधा यहाँ से कि मेरे को यहाँ काम करना पड़ेगा इस भावना से घर को छोड़कर भागे हो, तो कभी भी तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। लेकिन यदि भक्ति करते हो, भक्ति में कर्म और ज्ञान और योग ये भक्ति से बहुत निम्न है, बहुत नीचे है, भक्ति के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, उसमें ये सब नहीं चलता। लेकिन तपस्या यदि करनी है तो पहले अपने आप को इतना ज़्यादा सहनशील वाला बनाना पड़ेगा कि तुम्हारी तपस्या आप सिद्ध कर सको, वो घर में ही हो सकता है। तो वर्ण और आश्रम की बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रदान करके उनको भेजा, तब उसने जा करके फिर घर में माता पिता की सेवा करी, तब तपस्या के लिए आया। तो वेद व्यास जी ने ऐसी पुराणों में क्यों कथाएँ लिखी, जब भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं, तो ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी? इसलिए अधिकार के हिसाब से। देखो किसी का अधिकार तपस्या का है, किसी का अधिकार अभी घर में है, किसी का अधिकार अभी योग का है, और समस्त अधिकारों को जो उल्लंघन करके हमें भक्ति योग में बिठा देते हैं, वो ऐसे सद्गुरुदेव हैं जो हमें सीधा सीधा भक्ति योग प्रदान कर देते हैं। उसमें वर्ण आश्रम का अगर नियम का भी उल्लंघन हो जाता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए इसको समझेंगे। राधा रानी जो हैं, राधा रानी को आप भाव की लता, कल्प लता मांग लीजिए, सुंदर लताएं देखते हैं जिसमें पुष्प आदि निकलते हैं और सुंदर लता लहराती है, तो वो लता है राधा रानी जो भाव से प्रेम से भरी हुई है, और उसमें जो फल निकले हुए हैं, उसमें जो पत्ते निकले हुए हैं वो है गोपियाँ, और सबसे जो आगे आपने देखा होगा फल निकलने से पहले एक मंजरी आती है, वो सबसे जो आगे लता के आगे होती है, जैसे इसमें भी देखेंगे तुलसी जी में मंजरी देखते हैं आप, ऐसी लता के ठीक आगे मंजरी होती है, वो जो सुंदर श्री होती है, शोभा होती है, उस मंजरी से ही होती है उस लता की। तो भगवान कहते हैं देखो तुम राधा रानी नहीं बन सकते, राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, गोपियाँ ललिता विशाखा नहीं बन सकते, परंतु जो शोभा है उनकी वो बन सकते हो, मंजरी भाव तुम प्राप्त कर सकते हो, वो वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इसीलिए हम सबको हमेशा क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, धन्यवाद। हम लोग पहले स्तर कर रहे थे, ले लिया भक्तों के लिए, अगले स्तर पर ले आप।
पहले हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत ने सबको प्रेम देना चाहे क्योंकि उनका भविष्यवाणी था एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी के गांव गांव में शहर शहर में गली गलियों में सर्वत्र अपना नाम घूम उठेगा सब लोग प्रसन्न होकर के ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये सब के सब हरे नाम करेंगे इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने क्या किया उन्होंने दो व्यक्ति को भेजा था किसको किसको भेजा बोलो कौन बोलेगा किसको भेजा था प्रभु श्री हरिदास ठाकुर ये दो व्यक्ति को भेजा था इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु के पास में तो बहुत सारे भक्त थे लेकिन इन्होंने ये दो व्यक्ति को क्यों भेजा इसका क्या कारण है इसके पहला कारण हम लोग ने श्रवण किया था इन्होंने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को क्यों भेजा इसको याद है बहुत बोल सकता है उन्होंने ये दोनों व्यक्ति को क्यों भेजा था इसका क्या कारण ये तो बड़ी बहुत याद है क्या और बोले हाजी मैंने जो बताया था माफी की तरफ से नहीं क्या बताया याद रखना इसका पहला कारण था ब्रह्मा कौन है ये ब्रह्मा ही ये हरिदास ठाकुर बन कर गया ये हरिदास ठाकुर पहले कौन थे ब्रह्मा ब्रह्मा का ताप जगत का सृष्टि कर नित्यानंद प्रभु कौन है बलदेव प्रभु है इसलिए बलदेव प्रभु होने का नाते कहते ब्रह्मा तो एक ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की लेकिन श्री बलदेव प्रभु अनंत करोड़ ब्रह्मांड की एक एक लोक रूप में बैठे हुए वो अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले कौन है श्री बलदेव प्रभु इसलिए ये दोनों ही जगत का सृष्टि करता है इसलिए नियम जगत में होता है अगर जैसे हम बच्चे जन्म देते बच्चा जन्म देने पर पिता माता क्या चाहते बच्चे को बढ़िया से लिखाए पढ़ाई सिखाए और नौकरी चाकरी करवाए उसको शादी शुदा करवाए इसलिए पिता माता का कर्तव्य बच्चों को पालन करे हैं तो जन्म दे करके छोड़ दिया है ऐसे बड़ी पिता माता चाहते नहीं जब हमने जन्म दिया हमारा दायित्व है बच्चों को होनहार बनाए बढ़िया बनाए इसलिए ये दोनों जगत का पिता है होने का नाते उनका कर्तव्य है ये जगत को पालन करना जगत को पालन कैसे करते हैं जगत को पालन एक तो पिता पिता करके होता है पालन फिर ये एक तरह का पालन है लेकिन जो असली जो पालन है जो प्रेम को द्वारा और भगवान की भक्ति को द्वारा जो पालन करना है समझो वही असली पिता माता जो बच्चों को भगवान की भक्ति के मार्ग में जो चलाए हैं कहते असली पालन उसको द्वारा होता है हैं इसलिए अगर हमने बच्चों को लिखाया पढ़ाया शादी शुदा नौकरी चाकरी हमने सब कुछ बढ़िया से बच्चों को बढ़िया से होनार बना दिया लेकिन कहते हैं अगर उनको प्रभु की भक्ति की शिक्षा नहीं दिया प्रभु की प्रेम की अगर शिक्षा नहीं दिया तो कहते लास्ट में ना सब जीरो हो जाएगा लास्ट में सब गोल आवर निकलेगा कोई फल नहीं उसका है बच्चा हमने इसी जीवन में बच्चों को पालने किया बोले ठीक है इसी जीवन में दो चार बच्चों को पालने किया ना अगले जीवन में सुअर जन्म दे देते हैं एक साथ में दर्जन दर्जन बच्चा जो उनको पालन कर देना नहीं तो मछली बना देते और बच्चों की ज़्यादा पालन कर देते इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो असली पालन है जीवों को भक्ति को द्वारा पालन करना अगर तुमने एक बच्चे को भगवान की भक्ति में लगा दिया भगवान की भजन में अगर बच्चे को लगा दिया तो पहले सुन रहे थे ना साक्षात नरसिंह देव स्वयं कहते हैं जिस वंश में एक बेटा के बोले प्रभु का भक्ति में लग गया नरसिंह भगवान कहते बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र उसको 21 भी उदाहरण जननी कितार था जो माँ बच्चे को जन्म दिया वो मैया की जीवन में सार्थक हो गया पिताजी का जन्म सार्थक हो गया बोले नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरे सा जो लोग पहले चले गए शरीर छोड़ करके जब देखते हैं वंश में एक बेटा प्रभु का भजन कर रहा है और हाथ उठा करके नाचना शुरू कर देता हमारे कितने भाग्य
हमारा वंश में एक भक्ति करने वाला जन्म ले लिया, अभी हमारी नर्क से अपने आप उधार लेंगे, भगवान अपने आप उसको उधार कर देते हैं। बोले वसुंधरा, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है जब एक बच्चा प्रभु की भजन में लग जाए, इतने लाभ है। इसलिए पहला इसलिए उन्होंने भेजा, बोले जगत को तुमने सृष्टि किया, तुम्हारी कर्तव्य है ये बच्चों को लालन पालन करना। लालन पालन कैसे? इनको भगवान की भक्ति दे करके इनको लालन पालन करो, इनको भगवान की भजन की, बच्चों को भजन की शिक्षा दो, हैं ये सही। इसलिए इसका पहला कारण था, आज हम सुनेंगे दूसरा कारण क्या है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। कहते ये जो हरिदास ठाकुर ये जन्म हुए मुसलमान कुल, ये मुसलमान कुल में उन्होंने जन्म लिया है। कहते श्री नित्यानंद प्रभु कौन सा जाति में जन्म हुए? ब्राह्मण कुल में, सब छोटे मोटे ब्राह्मण ने, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजे। बोले क्यों दो व्यक्ति को भेजे? बोले कारण है, अगर केवल हरिदास ठाकुर को भेजूंगी मुसलमान कुल में जन्म हुए, अब देखना जैसे जैसे व्यक्ति प्रचार करते हैं ना, उसमें वैसे ही भी लोग आकृष्ट होकर के आते हैं, ऐसे ही लोग आकृष्ट होकर के आते हैं। अगर केवल श्री हरिदास ठाकुर को भेजेंगे, वो सोचेगा अरे जो भक्ति है ना, वो जो सब छोटे जाति में जन्म लेते हैं मुसलमान घर में, वही सब भजन करते हैं, वो बड़े व्यक्ति इसमें नहीं आएंगे, दूसरे जात का लोग उसमें आकृष्ट होकर के नहीं आएंगे, हैं। अगर श्री नित्यानंद प्रभु को भेजे, नित्यानंद प्रभु कौन है? यदि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हो, जब इनको लोग देखेंगे, लोग क्या समझेंगे कि जो भक्ति है ना, जो केवल ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्म हुआ, केवल वही व्यक्ति भजन करते हैं, हैं। वो साधारण आते हम लोग भक्ति भक्ति में हमारे अधिकार नहीं। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार, जई भजे सही बड़ अभक्त ही निचार। कहते जो भगवान की भक्ति में कितना जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो, बोलो हरि का भजा सो हरि का। इसलिए भगवान की भक्ति में यहाँ पर जात पात का कोई विचार नहीं है। कहते जई भजे सही बड़, जो भजन करता है वही बड़ा है, अभक्त ही निचार। अगर भले ही बड़े कुल में क्यों जन्म नहीं हुए, अगर प्रभु की भक्ति नहीं करते हो, कोई वो दीनहीन है, वो बेकार है, उसका कुल कुल जन्म लेना सब बेकार है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, बोले विप्रात दुई षण गुण जूत अरबिंद नाभ पदार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। यहाँ पर कहते हैं, अगर किसी ने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का 12 गुण है, सम दम स्तप शौच संतोष आर्जवम, उसको 12 गुण होनी चाहिए ब्राह्मण में। लेकिन कलयुग में तो एक गुण भी मिलना बड़ा कठिन है, जो सारी इंद्रियों को जो दमन करता है, सप शौच दान सब गुण होनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं, अगर किसको अंदर में 12 गुण युक्त है, पूरा के पूरा 12 गुण युक्त है, लेकिन अरविंद नाभ मतलब भगवान के चरण से वो विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करता है वो। लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है छोटे जाति में जन्म हुए, लेकिन वो प्रभु का भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है। कहते वो स्वपच, स्वपच मतलब होता है, कहते स्व मतलब कुत्ता, पच्चा मतलब भोजन पका करके भोजन करना, मतलब कुत्ते को भी जो पका करके भोजन करने वाले चंडाल, अगर चंडाल जाति में अगर कोई जन्म हुआ है लेकिन प्रभु का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति करते हैं, कहते वो व्यक्ति बड़ा ही ब्राह्मण से भी बड़ा है, क्योंकि वो तो उधार होगा ही और उसको 21 पीढ़ी उधार कर लेगा। लेकिन जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं करता है, दूसरों को क्या उद्धार करेगा, अपना ही कल्याण नहीं कर सकता। देखो भगवान ने रामलीला में देखो गुहक चंडाल, नाम सुने कि नहीं? गुहक चंडाल का नाम सुने कि नहीं? भगवान राम जब भगवान दरबार में बैठे, राम दरबार में हैं, बराबर आसन देते हैं, विभीषण कौन जाति में? राक्षस जाति में। लेकिन जब राम दरबार लगता है, भगवान बराबर उनको आसन देते हैं, उनको गले में मिलते हैं ठाकुर, जिनको गले मिलते हैं सुग्रीव, ये बंदर, सुग्रीव बंदर है ना हनुमान जी, बंदर है ना, हनुमान खुद कहते हैं सबरे अगर मेरा मुंह देख ले कोई, मेरे नाम ले दिन भर उसको भजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते ऐसे जात में जन्म लिया, लेकिन देखो राम की मैं भक्ति करता हूँ, सारा दुनिया में मेरी पूजा हो रही, सवेरे उठ करके हनुमान जी का पूजा करते हैं,
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इन्होंने महाप्रभु ने दो व्यक्ति को भेजा, किसको? एक हरिदास ठाकुर को, मुसलमान एक व्यक्ति को भेजा, और छोटे से छोटे, और उन्होंने भेजा बड़े से बड़े जाति, कौन? श्री नित्यानंद प्रभु, जो बड़े से बड़े जाति। क्यों ये दोनों को भेजा? बोले इसलिए भेजा भगवान की भक्ति में भैया कोई विचार नहीं, जात पात कुछ ना, कोई हरि का भजा सो हरि का भजा। मतलब भगवान की भजन में सबका अधिकार है, सबके सब भगवान की भक्ति सबके सब कर सकते हैं, भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्तियों को भेजे, भेज करके बोले घर घर में जाओ, और घर घर में क्या करो, उनसे झोली पसारो, और झोली पसार करके क्या मांगो, उनको भगवान की भक्ति प्रेम की भिक्षा मांगो। हैं, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण ही भजन करो, हैं, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अगर जीवन में कुछ जो शिक्षा पाना चाहते हो, कृष्ण भक्ति को ही जीवन में शिक्षा प्राप्त करो। अगर ये चीज़ को जीवन में कोई अगर प्राप्त करेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने ये दो व्यक्ति को भेजा, और भेज करके उन्होंने क्या किया, वही महाप्रभु बताया था ना, प्रति घर घर गया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो भक्ति का जो भिक्षा है ना, कहते हर घर घर में जा करके भिक्षा मांगो, हर घर घर में जाओ, हर घर घर में जाओ। उन्हें नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आदेश दिया, मतलब हम लोगों को उन्होंने आदेश दिया क्या करो, हर घर घर में जा करके अपना झोली पसार करके सबको भगवान की भजन की शिक्षा दो, भगवान की भक्ति की शिक्षा दो सबको जाकर के। और जैसे नित्यानंद प्रभु सुन रहे थे ना, जगाई माधाई जैसे पिय करते, उनको बोले हरिनाम करो, भजन करो, उन्होंने क्या किया, बोले हरिनाम करो, हमें हरिनाम शिक्षा देने के लिए आई, उठाया जो मदिरा का शराब का जो घड़ा उठाया और मार दिया सर में, मार दिया तो सर फोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तुम लोग भक्ति करने के लिए जाओगे वा प्रचार करने के लिए जाओगे, कभी कभी ये स्थिति भी तुम्हारे जीवन में आएगी, ये स्थिति भी जीवन में आएगी। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाएगी, उस समय 22 मार्केट था, हैं, क्यों हरिनाम करता था ये, बोले खबरदार तू मुसलमान कुल में जन्म लिया, ये हिंदू वाणी हरे कृष्ण नहीं कर सकते, अपना धर्म कलमा उच्चारण करो। तो उन्होंने क्या बोले, बोले भैया भगवान दो थोड़ी है, भगवान तो एक है, तुम उसको अल्लाह कहते हो, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, और हिंदू लोग तो उसको हरि कहते हैं, कृष्ण व हरि कहते, राम कहते हैं, हैं, भगवान थोड़ी दो का नाम अलग अलग है। इसलिए हमें तो ये हरे कृष्ण नाम अच्छा लगता है इसलिए कहते हम, नहीं नहीं कर सकते हो, बोला अगर ये नाम को नहीं छोड़ोगे ना, तुमको गोटी गोटी करके काट डालेंगे तेरे को, बोले भले ही गोटी गोटी करके काट डालो, लेकिन हम हरि का भजन हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए 22 बाजार में 5-6 व्यक्ति मिल करके इतने पूरी तरह से मारे, सबको पता चले, अगर कोई मुसलमान कुल में जन्म लेकर के अगर कोई हिंदू वाणी उच्चारण करता है उसको क्या सजा, दुनिया को पता चले, हैं, क्योंकि एक तो भजन कर रहा है, इसको देखा देखी और व्यक्ति कोई हिंदू नहीं बन जाए, कोई कोई हिंदू नहीं बन जाए कोई, इसलिए उन्होंने लोग को दिखा दिखा कर पिटाई किया। लेकिन उनको जितने जोर से पिटाई हो रही थी ना, वो उतना जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको देख करके वैकुंठ से भगवान नारायण स्वयं आ गए, भगवान कृष्ण स्वयं ले सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, बोले मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार, इनके सब वंश में ध्वंस कर दूंगा, चक्र लेकर के आ गए। लेकिन जब आ करके देखा जिनको रक्षा करने के लिए आए, वो स्वयं इनके कल्याण सोच रहे हैं, बोले ठाकुर जी ये अज्ञा मूर्ख कुछ नहीं जानते हैं, इनके अपराध को मत लिया करो। जब देखा भैया उनका कल्याण ये सोच रहे हैं, फिर भगवान क्या करेंगे, उनको उन्होंने अपना गोद में ले लिया, भगवान उसको गोद में ले लिया, और जितने पिटाई पड़ी ना किसको ऊपर, भगवान के ऊपर, सब कृष्ण के ऊपर सब पिटाई पड़ी। इसलिए महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर को बुलाए, एक दिन महाप्रभु विष्णु को खटिया पर बैठ गए, एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनको जीवन चरित्र बता रहे थे, जानते हो जब तुमको 22 बाजार में पिटाई हो रही थी, मैं गोलक वृंदावन से चक्र लेकर के आया था मारने के लिए, लेकिन तुम उनको कल्याण सोच रहा था, इसलिए मैं तेरे पीठ को ऊपर पीठ लगा करके तेरे गोद में ले लिया। अभी देखो उन्होंने दिखाया तेरा मेरे पीठ में अभिन्न, वो सारे जो कष्ट मैंने सारे कष्टों को
मैंने ले लिया, देखो अभी मेरे पीठ में था, उन्होंने दिखा दिया, रोने लग गए महाप्रभु, हरिदास ठाकुर रोने लग गए हैं। इसलिए शिक्षा देते हैं, देखो अगर हरि भक्ति प्रचार करने के लिए जाओगे, कभी कभी ये स्थिति तक आई, कोई बुराई बोलेगा, कोई अच्छाई बोलेगा, लेकिन उसके लिए कोई दुखी नहीं होना, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, लेकिन उसमें कोई दुखी नहीं होना है। दुखी नहीं हो करके क्या करो, मीरा भजन की कि नहीं, मीरा का नाम सुनिए ना, जगत में मीरा का नाम क्यों हो रही बताओ, उसको ऊपर में पूरा परिवार पूरा राज्य उसका विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने अपना रंग को छोड़ी, अपना कृष्ण रंग उसने छोड़ी कभी नहीं छोड़ी, तभी तो दुनिया में इनका नाम हो रहे। इसलिए जिन जिनियों के ऊपर अत्याचार हुई भक्ति में ना, और भक्ति नहीं छोड़े तो तक उनका नाम, प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुई है, अत्याचार हुई इसके ऊपर भजन कर रहा था, लेकिन जगत में नाम किसको हो रहा है, इसका बाप ना बेटे को, प्रहलाद का जय जयकार हो रहा है, हरिदास ठाकुर का जय जयकार हो रहा है। इसलिए यहाँ शिक्षा दिया है, अगर भक्ति कहीं प्रचार करने जाओगे कभी बाधा आएगी, लेकिन कहते जो भक्ति मार्ग हैं, कहते ये कायरों का मार्ग नहीं, कहते ये सूर वीरों का मार्ग, किसका मार्ग है ये, सूर वीरों का कायरों का मार्ग नहीं। देखे होंगे जो लोग लड़ाई करने जाते हैं ना मैदान में युद्ध करने के लिए, जो सैनिक जाते हैं, जब उनको युद्ध होता है ना, भले इनके ऊपर में जितने प्रहार होता है उनका खून उतना ही उबलता है, खून उतना ही उबलता है, और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही खून उबलता है, हैं? उसी तरह जब हम प्रचार करने के लिए जाएंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया तो अरे हर सब कुछ प्रचार करके क्या, पर छोड़ बेकार है, छोड़ दो बेकार है, हाँ अब भक्ति करने के लिए गए, भजन करने के लिए गए, और ये सब बाधा आए सब ऐ छोड़ो बेकार सब भजन, अपना घर में बैठो, अरे ना नहीं, फिर तो तुम फेल हो गए, तब तुम फेल हो गए, तुम पास नहीं हो गए, तुम फेल हो गए, फेल हो गए तुम हो नहीं। हम भगवान की भक्ति करना और दुनिया में हरि भक्ति भी जगत में प्रचार करना, भले ही जितने बाधा विपत्ति क्यों नहीं हो, एक दिन जो बाधा विपत्ति सहन करता है, आप लोग देखना जो ये होता है ना क्या कमार लोग जो लोहे को अस्त्र बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोहार, लोहार को क्या करते हैं, देखे वो लोहार को आग में देगा, जब लाल हो जाएगा ना उसको निकालेगा, एक खूब पीटेगा, पीट 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 करके उसमें जितने से मैला सब निकालेगा, फिर पानी में देगा, फिर पानी से निकाल कर फिर आग में देगा, जब फिर लाल हो जाएगा फिर निकालेगा, फिर पीटेगा, पीट पीट करके सारे खाद में निकालेगा, ऐसे करते 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 वो लोहा इतने कठोर बन जाता है, फिर लोहे का कर्द बनाता है, लोहे लोहे को काट देता है, लोहे लोहे को काट देता है, इतने वो ऐसे ऐसे तलवार तलवार बनता है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत अगर दुख कष्ट जो भाग गया तो गया, तेरे भक्ति में कोई स्थान नहीं है, कायर तुम हो, कायर तुम हो नहीं, भक्ति जगत कायरों का मार्ग नहीं, ये सूर वीरों का मार्ग है। थोड़ी बहुत इधर उधर पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, कंटिन्यू। इसलिए जिन जिन्होंने भक्ति में प्रचार किया, बाधा आए और उसका तोड़ कर गए ना, देखो मीरा के नाम जगत में उजाला हो गया ना, मीरा अगर भजन छोड़ देती फिर नाम होता, अगर हरिदास ठाकुर भजन छोड़ देता, अरे क्या करके क्या छोड़ दो भजन में, जगत में नाम उसको होते जगत में कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, भगवान की भक्ति करना, भजन करना और महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार और जगत में प्रसार करना, जितने बाधा। इसलिए प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है, सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, एक एक ना एक दिन ये हरि भक्ति के महत्व तुम समझोगे। प्रभुपाद अंतिम समय में ये बात बोल कर गए, कभी दुखी नहीं होना, एक दिन इसका महत्व तुम समझोगे, जब गोलोक वृंदावन में जाओगे हैं तब इसका महत्व समझोगे, हरि प्रभु का भक्ति करके क्या स्थान मिला, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए उद्धार होकर के आ गए। और किसी व्यक्ति को अगर उद्धार किया तो महाप्रभु तो कहते मैं इतने खुश होता हूँ, कृष्ण कहते मैं उसको पर इतने खुश होता हूँ, मेरे भूले भटकते हुए मेरे बच्चे को मेरे पास तुमने ले आए, हैं मेरे पास में तुमने ले आए, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। हरि नाम करो, भजन करो, पड़ोसी पड़ोसी को भी हरि भक्ति की शिक्षा दो, ठीक है। प्रणिताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण, ठीक है। कल सब लोग आना, सबके सबको लेकर परिवार को लेकर आना, कल यहाँ भंडारा है, पड़ोसी पड़ोसी चिराग।
कल बढ़िया से तिवारी प्रभु का जन्मदिन है। तिवारी प्रभु कहाँ है? तिवारी जी, तिवारी जी है यहाँ पर? कहाँ है तिवारी जी? इधर सामने अंदर जी। ठीक है कि कीर्तन का कीर्तन कर लेते, इसके बाद आशीर्वाद दे, उनको बुला दो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राजा राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे hare rama hare rama hare krishna hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna इधर आ जाओ, आपका आशीर्वाद है। हाँ, आज जो सरबत बनाए हमारे श्री चिराग प्रभु ने बनाया, हम लोग पी कर बोलना कैसे बनाए। आप लोग इधर आ जाओ, प्रभु जी आशीर्वाद, इनका जन्मतिथि है, इतना आशीर्वाद देते हैं। अब आप माताएं जो आप लोग जब पियो भाई आशीर्वाद दे, सबको बांट दो, सबको फटाफट बांटो, सबको फटाफट बांटो, बांट दो प्रभु जी, इसको ले लो।
पर इसमें खुल लो, सबका हाथ में, सबका हाथ में लो, इसको लो, सबके बांट दो, पीछे पीछे दे दो, हाँ आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो ओ स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णु दधातु स्वस्ति न वैनतेयो हरी स्वस्ति न अंजनासुतो हनुर्भवतो भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभव जेषां इन्दिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभव जेषां इन्दिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री गिरिराज महाराज सर्वविघ्न विनाशन कर सिंह देव की बोले श्री सपरिकर प्रभुपाद की सपरिकर गौर हरि की तथा गौर प्रेमानंद आप लोग अपना हृदय से प्रभु जी का आशीर्वाद दो लोग ये सेवा करें भक्ति करें और गुरु वैष्णव की बहुत सेवा करते हैं और उनका घर वाली कहाँ भी आई इसलिए ये बड़ी सेवा करते हैं ये सुंदर सुंदर इनका पत्नी बड़ी सुंदर सुंदर प्रसाद बना कर खिलाती है गिरिराज बाबा की जय मंगल भगवती कल्याण भगवती सुखी चिराग प्रभु का जन्मदिन वो अपनी तरफ से मना रहे इनका भी है कल इनका ए, 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 ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के दिन भी तो भंडार लेंगे ठीक है आप लोग जाओ वहाँ पर जा करके आप लोग सर बदलो आप सबसे निवेदन है कि अभी मंदिर निर्माण की लैंड ली जा रही है वो काफ़ी महंगी आप सबको मालूम है करीबन करीबन उसमें 125 करोड़ का बजट है सिर्फ लैंड खरीदने में उसके बाद जो है बनेगा वो अलग तो वैसे भी शास्त्र बोलते हैं कम से कम 50% धर्म लगाना चाहिए अपनी तनख्वाह का या अपनी कमाई का तो आप सबसे निवेदन है कि जो कोई भी श्रद्धा से अपनी क्षमता से इसमें सेवा करना चाहे तो आगे आए और सबका सहयोग करें ठाकुर जी का विशेष करके गुरुदेव की सेवा है जिसमें कोई कोई व्यक्ति हमें अपने 10 साल की तनख्वाह दे रहा है कोई 5 साल की दे रहा है कोई 1 वर्ष की दे रहा है तो आप अपने हिसाब से
कितना भी दे सकते हैं, आप दीजिएगा, यह एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण हो सकेगा आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।